माता वैष्णो देवी के भक्तों को माता रानी के प्रसाद के लिए उनके दरबार में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भक्त घर बैठे मां का प्रसाद ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने डाक विभाग के साथ मिलकर भक्तों के लिए प्रसाद की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। इस योजना से मंदिर में पहले भक्त के नाम से पूजा होगी, इसके बाद प्रसाद आपके घर पहुंचेगा। डाक विभाग हमीरपुर के प्रवर अधीक्षक आर के चौधरी ने बताया कि श्राइन बोर्ड पर जम्मू कश्मीर डाक विभाग में हुए MOU का लाभ अब हमीरपुर में भी आम जनता ले सकती है। उन्होंने बताया कि प्रसाद 3 पैकेजिंग में है, 500 रूपए, 1100 रूपए और 2100 रूपए। हमीरपुर डाक विभाग में अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से लोगों को माता वैष्णो देवी का प्रसाद घर द्वार पर उपलब्ध हो सकेगा। श्राइन बोर्ड पर जम्मू कश्मीर डाक विभाग में हुए MOU के बाद अब हमीरपुर में भक्त प्रसाद को बुक करवा सकते हैं। MOU के अनुसार पहले भक्त के नाम से प्रसाद माता के भवन में जाता है और उनके नाम की पूजा की जाती है, और बाद में भक्त को प्रसाद घर द्वार पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाता है। गौरतलब है कि हर साल प्रदेश से लाखों की संख्या में भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन को जाते हैं। स्थानीय लोगों ने डाक विभाग की स्कीम को काफी सराहा और कहा कि अब लोग हर मौसम में माता का प्रसाद घर में प्राप्त कर सकते हैं, और जो लोग किसी कारणवश माता के दरबार में जाने को असमर्थ है उनको इसका लाभ मिल सकेगा। ये बहुत बढ़िया बात है। देखो, जो वैष्णो माता जी के दर्शन में दरबार में नहीं जा पाते हैं, वो पोस्ट ऑफिस हमीरपुर में जैसे ऑनलाइन इनका प्रसाद मिल रहा है, वो बहुत ही अच्छी पहल है, मैं सोच रहा हूँ प्रशासन की। और जो हमारे भाई लोग नहीं जा पाते उनको प्रसाद जो यहाँ मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। सर, ये जो हिंदुस्तानी भक्त हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी पहल की है, जो कि पोस्ट ऑफिस हर बंदे को माता का जो बाहर नहीं भी जा सकता उसको उनके घर में ही प्रसाद मंगवा सकता है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी पहल है पोस्ट ऑफिस की। डाक विभाग हमीरपुर के प्रबर अधीक्षक आर के चौधरी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए बोर्ड ने स्पीड पोस्ट के जरिए माता का प्रसाद घर द्वार पहुंचाने की सुविधा शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि प्रसाद 3 पैकेजिंग में है, 500 रूपए, 1100 रूपए और 2100 रूपए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने डाक विभाग के साथ मिलकर भक्तों के लिए प्रसाद की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। कड़ी में आज के जो ये कोरोना काल के दौरान हमारे बहुत से कर्मचारी, जैसे टीचर लोग अभी छुट्टियों पे हैं या पेंशनर बाहर नहीं जा सकते हैं, तो हमारा एक EPS ट्रांजेक्शन आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा जो ट्रांजेक्शन है, हमारा डाकिया, हर गांव का डाकिया, शाखा डाकपाल इन जमाकर्ताओं के घर में पेंशनर के, चाहे कोई भी से आधार अनेबल पेमेंट जो सॉरी आधार से जो लिंक अकाउंट बैंक में है उनके किसी भी बैंक की पेमेंट वो घर द्वार दे रहे हैं। और ये अपना नजदीकी जो डाकिया है, BPM है, हमारे पोस्ट ऑफिस है, उसमें संपर्क करने की जरूरत है। टेलीफोन पे आप टेलीफोन करेंगे, वो डाकिया आपके घर में आएगा, आधार अनेबल पेमेंट आपके घर द्वार करेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले हमने DLC सर्टिफिकेट भी लोगों के पेंशन के घर द्वार बेड पे बना करके दिए हैं, तो इसी प्रकार हम यदि कोई बेड रिडन है उसकी पेमेंट भी घर द्वार करेंगे, कोई हॉस्पिटल में है तो उसके घर में हॉस्पिटल में जाकर के पेमेंट करेंगे। इस प्रकार ये योजना EPS आधार एनेबल पेमेंट, IP बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट, आपका बैंक आपके द्वार के अनुसार माध्यम से बहुत ही अच्छी सेवा डाक विभाग प्रदान कर रहा है, जिसमें IP बैंक यदि खाता आप खोलते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल घर में ही बैठे जमा कर सकते हैं, गैस सब्सिडी आप घर में ही प्राप्त कर सकते हैं, बिजली का बिल, रिचार्ज, गैस सब्सिडी, ये हर घर की जरूरत है, हर गांव में इसकी जरूरत है। तो मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगा कि आप पहले अपना खाता खुलवाएं, यदि आप खाता नहीं खुला सकते हैं तो आप अपनी पेमेंट डाकिये के द्वारा घर द्वार प्राप्त करें। धन्यवाद। आपको बता दें कि इस सुविधा से पहले श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए उनकी गैर मौजूदगी में भवन स्थित यज्ञशाला में हवन पूजा में ऑनलाइन शामिल होने की शुरुआत भी की थी।